अल्मोड़ा में अखिल विद्यार्थी परिषद से अलग होकर आशीष जोशी ने एबीवीपी को अलविदा करते हुए टाइगर ग्रुप की घोषणा के एक नए संगठन को बनाया गया है, जिसकी अल्मोड़ा के पदाधिकारियों की घोषणा कर उनको नियुक्त किया गया। दरअसल आशीष जोशी पिछले कई वर्षों से एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और अभी पिछले दिनों अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, पर उनको टिकट नहीं मिलने से उन्होंने अब एबीवीपी को अलविदा करते हुए टाइगर ग्रुप बना दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एबीवीपी हो या भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हो, दोनों सरकारों के गुलाम है, दोनों ही सरकारों के अनुरूप कार्य करती हैं। इसलिए उन्होंने एक नया छात्र संगठन का गठन किया है जो अब सक्रिय रूप से कार्य करेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज हमने हमारे टाइगर ग्रुप की ऑफिशियल घोषणा करी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे प्रदेश में अलग अलग तरह की सरकारें रहती हैं तो उनके जो भी युवा विंग हैं वह अपने सरकारों के गुलाम हो जाते हैं, और जो युवा है वह गुलामी मुझे तो लगता है बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, दोनों ही अपनी सरकारों की पिछलग्गू तरीके से अपना काम करती हैं। इतना बड़ा अभी आपने देखा कि युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन एबीवीपी के द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। और ठीक उसी तरह जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है तो उस समय जब पुराने आपको अगर मुद्दे कोई मैं बताऊँ, जब स्कूलों के निजीकरण की बात हुई या और भी कई सारे घोटाले हुए, तब एनएसयूआई बात नहीं करती।